कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। विपक्ष के लोग जो भी कहे कोई मतलब नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र में मंत्री बने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जैसा अहम मंत्रालय उन्हें मिला। लेकिन अब जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे? उपेंद्र कुशवाहा होंगे? इस सवाल के साथ जब उपेंद्र कुशवाहा मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि जब अगली बैठक होगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें तमाम बातें होंगी। अभी से ही ह्यूमर उड़ाने से क्या फ़ायदा? इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को जो जगह मिली है उसको भी लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना का हो गया, तो रूटीन वर्क है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा, उनका मन हुआ विस्तार करने का, जरूरत होगी, उनका मन होगा तो फिर किसी दिन और विस्तार हो सकता है। तो ये तो रूटीन वर्क है, इस पर क्या टिप्पणी है? चार मंत्रालयों का डिमांड था, लेकिन एक मंत्रालय में डिमांड तो आप लोग रख देते थे, कोई दिखाते थे चार, कोई तीन, तो आप लोग दिखाते थे। क्या डिमांड था, नहीं डिमांड था, ये कहाँ किसको मालूम? पार्टी को मालूम था। ट्वीट करके बधाई नहीं दी, बधाई नहीं दी भैया। बधाई देने का एक ही माध्यम नहीं है कि ट्वीट कोई करे तो आप देखिए कि ट्वीट हुआ। माध्यम और भी बहुत सारा है, और उन तमाम माध्यमों के बारे में जानकारी हमको आपको तो है नहीं, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी या नहीं दी ये कैसे सुनिश्चित होगा? इसी फॉर्मूले पे जाना था सर, तो 2019 में जेडीयू क्यों नहीं गए मंत्रिमंडल में? भैया उस समय की स्थिति अलग थी। इस बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सिंह जी को पार्टी ने अधिकृत किया था कि आप फैसला लीजिए। उस अधिकार के तहत उन्होंने फैसला लिया, फैसला का कार्यान्वयन हो गया, अब तो विषय से ही समाप्त हो गया। प्रसाद को हटा दिया गया मंत्री पद से, कैसे देखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए? क्या आप अपने आप को देख रहे हैं प्रसाद को हटा दिया गया भाई? अब ये किनको हटाया गया, किनको रखा गया? हम प्रधानमंत्री थोड़े हैं, प्रधानमंत्री की इच्छा, उन्होंने जिनको मन हुआ रखा, जिनको मन नहीं हुआ नहीं रखा। परफॉर्मेंस को लेकर बात हो रही है कि परफॉर्मेंस अब एक देश रखा गया है, दो साल का परफॉर्मेंस देखा गया, मंत्रियों के कार्य सही नहीं होने या भैया परफॉर्मेंस या क्या है कारण उसके पीछे, ये सब अनुमान के आधार पे है। कोई प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है कि परफॉर्मेंस देखकर हमने हटाया या रखा? कोई आधिकारिक बयान किसी की ओर से आया है? अब अटकलबाजी है, अनुमान है, तो इस अनुमान को सच कैसे मान लिया जाए? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई चुनाव हो रहा है? अभी कोई चुनाव तो है नहीं, मंत्री बने हैं। अरे वो अलग बात है, मंत्री बने हैं, लेकिन कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं है, पार्टी का कोई अभी चुनाव नहीं है, इसलिए इस तरह का प्रश्न कहाँ उठता है? नीतीश कुमार ने भी इस्तीफा दिया, बातें कर रहे हैं कि एक सीट को लेकर नाराजगी चल रही है, ये सब समझा जाए कि जदयू में ऐसी कोई बात नहीं है? कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। इसलिए विपक्ष के लोग जो भी कहें कोई मतलब नहीं। भैया नाम तो आप ही लोग सबका परोसते हैं और फिर आप ही लोग उसका खंडन करते हैं, इसलिए उसमें कोई मतलब नहीं। सर जेडीयू का यही कह रहे कि 19 में दो लोगों के नाम नहीं होने के कारण मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। विपक्ष क्या कह रहा है इस विषय पर खास करके, उसका कोई मतलब नहीं है। पार्टी का स्टैंड था कि पार्टी ने अधिकृत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया, फैसला का कार्यान्वयन भी हो गया है और मामला समाप्त। आरजेडी जातिवादी के आरोप लग रही है। चलिए सर, एक संसदीय बोर्ड के से एक सवाल है। सर संसदीय बोर्ड से इसी में लिखा हुआ है कि विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे और अगली कार्यकारिणी में उस निर्णय पर मुहर लग जाएगी, तो उसके तहत भी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय ले सकते हैं, चर्चा रहेगी सर। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से दो नए चेहरे निकल के आए, पशुपति पारस हो या फिर आरसीपी सिंह हो, इन दोनों के ही नामों की चर्चा थी। हालांकि ललन सिंह के नाम की भी कयास लगाया जा रहा था, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। रहा उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है, क्या वो जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, इस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है, सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने तो पलड़ा झाड़ लिया कहकर कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देखा जाएगा, विषय कहने से कोई फायदा नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।